हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और आज फिर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर एट साइट पर। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे इस चीज़ का और थोड़ी डिटेल में इन सब के बारे में स्टडी भी करेंगे। तो मैं आज के लिए आपका टॉपिक बता देता हूँ। जो हमारा टॉपिक आज है, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स एट साइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा सीमेंट के बारे में जान लेते हैं कि सीमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सीमेंट जो होता है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल, जो कि हमारे जितने भी हमारे बिल्डिंग यूनिट्स होती हैं उनको बाइंडिंग करने का काम करता है। वो उनको सेट करता है और हार्डन कर देता है। तो जो हमारा सीमेंट होता है, मेनली क्या होता है, एक फाइन पाउडर टाइप का होता है, जिसमें कि सीमेंट को कई जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको मिला करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमारा सीमेंट है, अगर वो लाइम स्टोन से बनता है तो हम उसको कैल्सरस कैल्सरस बोला जाता है। अगर वो सैंड और क्ले से बनता है तो उसको हम सिलिशियस सिलिशियस बोला जाता है, या फिर सिलिकॉन अगर बॉक्साइट से बनता है तो उसको आर्गलिशियस बोला जाता है। तो और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे हम सीमेंट को बनाते हैं, जैसे शेल है, चॉक मार्ल है, सेल है, क्ले है, ब्लास्ट स्लैग, फर्नेस स्लैग होती है, स्लेट होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारी होती हैं सीमेंट को बनाने के टाइम पर यूज़ की जाती हैं। आप इसके बाद है जो हमारे कुछ सीमेंट के फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब भी हम सीमेंट को मार्केट से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर लाते हैं तो हमें उसमें ये सब चीज़ें नोट करनी होती हैं, देखनी होती हैं कि ये प्रॉपर्टीज सीमेंट के अंदर है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारा सीमेंट है वो कितना पुराना बना हुआ है और उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उस सीमेंट बैग पर क्या है। इससे अगर सीमेंट हमारा ज़्यादा पुराना है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है समय के साथ साथ वो रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हमें उसकी डेट जरूर चेक करनी चाहिए सीमेंट के बैग पर कि उस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अब आते हैं सीमेंट का कलर। जब हम सीमेंट बैग को ओपन करेंगे तो उसमें हमें उसका कलर चेक करना होगा कि उसका कलर किस टाइप का है। तो मेनली कलर तो लाइट ग्रीनिश शेड कलर का होता है, लेकिन अब जो फिलहाल में सीमेंट आ रहे हैं, जैसे जो थर्मल पावर प्लांट से हमारी फ्लाई ऐश निकलती है, या फिर हम और भी अलग तरीके से सीमेंट बनाते हैं, तो उनका कलर कुछ ब्लैक कलर, ब्लैकिश कलर का होता है। तो इसलिए सारे सीमेंट का कलर लाइट ग्रीनिश नहीं होता है। जो कलरफुल सीमेंट होते हैं उनका अलग अलग कलर होता है। कुछ व्हाइट सीमेंट भी होते हैं, उनका व्हाइट कलर होगा। तो इसलिए जो मेन कलर है वो हम देख लेते हैं उसमें कि किस पर्पज़ के लिए या फिर किस मेथड से बनाया है, तो कलर उस पर डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट है हमारा वेदर हार्ड लम्प आर फॉर्म। जब भी हम सीमेंट को चेक करेंगे तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं किया होना चाहिए। अगर वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और उसमें लम्प बन जाएंगे, छोटे छोटे, जिनको ढेले बोला जाता है, या फिर छोटे छोटे पत्थर टाइप के बन जाते हैं, वो लम्प बन जाते हैं इसमें अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाती है। अब दूसरा इसके बाद पॉइंट है टेम्परेचर इनसाइड सीमेंट बैग। जब भी हम सीमेंट बैग को ओपन करते हैं तो उसमें हमें हाथ डाल के देखना होता है कि वो सीमेंट हमें कूल फील होना चाहिए। अगर वो कूल फील नहीं कर रहा है तो हो सकता है सीमेंट डिफॉल्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्मूथनेस टेस्ट किया जाता है कि उस सीमेंट की स्मूथनेस कैसी है। तो जब हम सीमेंट बैग से सीमेंट को निकाल करके अपने फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो वो हमें स्मूथनेस फील होती है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा अगर उसमें स्मूथनेस है तो सीमेंट अच्छा होगा, अदरवाइज सीमेंट में भी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर सिंकिंग टेस्ट। वाटर सिंकिंग टेस्ट में क्या होता है कि हम किसी एक बकेट में वाटर लेते हैं और उसमें सीमेंट को डालते हैं। अगर वो सीमेंट फ्लोट करता है तो वो सीमेंट खराब है, वरना सीमेंट जो है कुछ समय फ्लोट करने के बाद उसके तुरंत सिंक हो जाना चाहिए। तो ये हमारी वाटर सिंकिंग प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्मेल ऑफ सीमेंट पेस्ट। हमें ये सीमेंट जो है स्मेल से भी हमें चेक करना होता है कि सीमेंट किस टाइप का है। अगर वो सीमेंट जो है पानी मिलाने पर जब हम पेस्ट बनाते हैं, अगर वो मडी स्मेल आती है उसमें, मतलब मिट्टी में से जैसी खुशबू आती है उस टाइप की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब वो सीमेंट जो है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के लिए यूजेबल नहीं है। उसमें क्ले वगैरह ज़्यादा मात्रा में होगी, वो मतलब कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसकी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद आता है ग्लास प्लेट टेस्ट जो होता है। इसमें क्या होता है, हम एक प्लेट लेते हैं और उस प्लेट पर सीमेंट को रखा जाता है, और सीमेंट को रखने के बाद इसको इसमें 24 घंटे तक उसको रख दिया जाता है। उसमें ये देखा जाता है, एक ब्रिकेट बना होता है फ्रेम बना करके, कि वो सीमेंट जो सीमेंट का जो हमने ब्रिकेट बना रखा है वो क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर 24 घंटे पानी में रखने के बाद भी वो क्रैक कर जाता है तो सीमेंट फिर हमारे लिए यूजेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास ब्लॉक टेस्ट।
ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है, हम 25 mm × 25 mm और 200 mm यानी एक इंच करके और 8 इंच यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से हम ब्लॉक बना लेते हैं। और जब इस ब्लॉक को बनाते हैं तो पानी में इसको डुबाया जाता है 3 दिन तक, और फिर 3 दिन तक डुबाने के बाद हम इसको इसके ऊपर वेट यूनिफॉर्मली प्लेस करते हैं, रखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये हो जाता है हमारा ब्लॉक टेस्ट। अगर वो इतने वेट के बाद भी क्रैक कर जाता है तो इसका मतलब सीमेंट में वो स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं यहाँ से कि हम एक एक करके इन सारी फील्ड प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे उस सीमेंट को बैग को ओपन करके। ये देखिए दोस्तों, ये हमने आज एक सीमेंट बैग को ओपन किया हुआ है, ये बांगर कंपनी का है। और सबसे पहले हम यहाँ सीमेंट में देख सकते हैं कि सीमेंट में चेक हमें पता होना चाहिए कि सीमेंट को लेते समय एक तो वो ISI हॉलमार्क होना चाहिए। ISI हॉलमार्क है ये 1489 IS कोड है इसका। पार्ट वन कैटेगरी में आता है सीमेंट, और इसमें इसका कोड भी लिखा हुआ है CM/L8700028612 करके। और यहाँ पर कौन सा सीमेंट है हम यहाँ पर ये चेक भी कर लेते हैं। ये जो सीमेंट है हमारे पास में ये है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, जो कि ये फ्लाई एश बेस्ड बना हुआ है, यानी कि राख से बना हुआ है सीमेंट है। और फ्लाई एश का जो एडिशन है वो इसमें परसेंटेज वगैरह वो साइड में लिखा हुआ है कि कितने परसेंटेज में इसको मिलाया गया है। यहाँ पे लिखा है कि सी ऑन द साइड, तो हम इसके साइड में देखेंगे तो वहाँ पे उसका परसेंटेज लिखा होगा। अभी हम यहाँ देख लेते हैं, जब हम इस बैग को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लिखी है, नेट क्वांटिटी 50 kg है। और यहाँ पर सारी डिटेल लिखी होती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है MRP के लिए। यहाँ ये भी हमें साइड में देखना हो, क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो साइड में लिख दी जाती है, क्योंकि वो चेंज होती रहती है, और ये फिक्स प्रॉपर्टी होती है उनको फ्रंट में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि ये कैटेगरी दे रखी है 5 to 5, और यहाँ पर डेट और टाइम के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी वो भी साइड में लिखी है, लेकिन ईयर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ईयर काफ़ी बड़ा होता है 365 days का, तो इसलिए ये बैग हमारे यही यूज़ होते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, इसलिए इनको पहले से ही प्रिंट कर दिया जाता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट किस तरफ है। तो यहाँ पर हमने जब बैग को देखा तो यहाँ पर देखिए जो डेट लिखी हुई है, ये फरवरी की डेट लिखी हुई है, यहाँ फरवरी की डेट लिखी हुई है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है, फरवरी में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। तो हमें यही देखना होता सबसे पहले कि सीमेंट जो बैग है कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है। उसके बाद अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इसमें सीमेंट का कलर कैसा है। तो दोस्तों मैंने बताया था पहले कि सीमेंट का कलर जो है कुछ ग्रेइश कलर का होना चाहिए, तो हम यहाँ देखते हैं सीमेंट का कलर, ये देखिए है कुछ ग्रेइश कलर का दिखाई दे रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी टाइप से हमें ये सीमेंट अभी तक तो सही लग रहा है। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे लिए कि हमें इसमें चेक करना होगा कि इसमें लम्ब्स तो नहीं बन रखे हैं। लम्ब्स चेक करने के लिए हमें इसको देखना होगा, जैसे कि मैंने अभी क्या है ये सीमेंट को जब हाथ में लिया तो इसमें कहीं पर भी ऐसे हमें लम्ब्स नहीं मिल रहे देखने को, तो इसलिए हमें ये पता चल गया कि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर चेक किया जाता है कि इसके अंदर हाथ डाल के देखा जाएगा कि हमें कूल फील होना चाहिए। जब मैंने इसके अंदर हाथ डाल करके देखा है तो ये देखिए, जब मैं इसके अंदर हाथ डाल रहा हूँ इस तरीके से तो मुझे ये ठंडा फील हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था टॉपिक वाइज बताया था कि कैसे कैसे सीमेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो अभी मैंने जब इसके अंदर हाथ डाला तो मुझे कूल फील हुआ है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे लिए, स्मूथनेस देखी जाती है, इस सीमेंट की स्मूथनेस कैसी होगी। तो दोस्तों स्मूथनेस देखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से सीमेंट को लेते हैं और इस तरीके से रब किया जाता है। जब हम इस तरीके से रब करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें फाइननेस है और स्मूथनेस है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें कहीं पर भी ज़्यादा रफनेस नहीं है, हमें सिर्फ स्मूथनेस ही पता चल रही है, और ये पता चल रहा है कि ये फाइन सीमेंट है, फाइन पाउडर टाइप में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसके बाद इस सीमेंट को पानी के अंदर डाल के देखते हैं बकेट के अंदर। तो मैं ज़रा इस प्रॉपर्टीज़ को करने के लिए एक बकेट का इंतजाम कर लेता हूँ पहले। देखिए दोस्तों ये अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हम सीमेंट को पानी के अंदर, और हम क्या करते हैं जब भी सीमेंट को पानी के अंदर डाल के चेक करेंगे तो करनी से इस तरीके से डाला जाता है, ऐसे करके डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सीमेंट है वो थोड़ा सा फ्लोट करने के बाद तुरंत ही सिंक कर गया है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सीमेंट की ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इसके लिए जो हमारा सीमेंट होता है, अब इस सीमेंट को हम क्या करते हैं स्मेल चेक करनी होती है। सीमेंट हमने इस तरीके से लिया और एक हमारे पास प्लेट होती है,
ये देखिए मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर एक लकड़ी का बोर्ड है उसके ऊपर सीमेंट को रख करके थोड़ा सा इसमें पानी मिलाऊंगा। अब पानी मिलाने के बाद मैं इसकी स्मेल चेक करूंगा कि ये कुछ मडी टाइप में है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक तो सारी प्रॉपर्टी हमें सही मिली है। तो ये इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो सीमेंट है वो इसमें मिलावट तो नहीं है, क्ले वगैरह तो ज़्यादा है नहीं। तो अब ये देखिए इसमें जो वाटर है वो कितनी जल्दी जल्दी सूख रहा है इसमें, क्योंकि हमारे जो इस सीमेंट में ये हीटिंग प्रोसेस से बनाया जाता है तो हीट की वजह से पानी को जल्दी अब्जॉर्ब करता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि पानी जो है सीमेंट के साथ में रिएक्ट करता है। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस करेंगे पानी का हाइड्रेशन किस तरीके से होता है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, इसको पानी को सीमेंट में डाला है तो मुझे ऐसा कोई स्मेल इसमें आ नहीं रही है कि कोई मडी टाइप का कोई एग्रीगेट होगा या सब्सटेंस होगा जिससे कि सीमेंट ख़राब हो। तो अभी इसके बाद हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी ये रह जाती है जो काफ़ी लंबे समय की है, तो हम उसको तो करेंगे नहीं, सिर्फ एक मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा दूंगा कि इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो अभी हमने जैसे इसमें पानी डाला है तो पानी बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो स्टील की पत्ती से सीमेंट का पेस्ट बना सकते हैं या फिर हम जो मिस्त्री वाली करनी होती है उससे भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो अभी हम देखें यहाँ पर इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और पेस्ट तैयार करने के बाद इसके जो ब्रिकेट बनाए जाते हैं टेंसाइल टेस्ट करने के लिए और कंप्रेसिव टेस्ट करने के लिए, ये सारे टेस्ट जो है यहाँ पर कर लिए जाते हैं। अभी देखिए ये पानी की मात्रा जो है, अभी हम स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं जितना कि हमारा लिखा होता है अपना साउंडनेस टेस्ट के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसके बेस हम पे उसके बेस पर हम पानी मिलाते हैं इसमें, और कंप्रेसिव टेस्ट के लिए भी और टेंसाइल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को बनाने के बाद क्या है, अब हम इसके कुछ ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए कुछ मैंने साइज बताया था, साइज था कुछ एक इंच लंबाई का, एक इंच चौड़ाई का, और हाइट जो होती है लगभग 8 इंच होती है। तो हम आज बनाएंगे नहीं क्योंकि ये, और इसको बनाने के लिए लगभग 24 घंटे तक इसको रखना होता है ग्लास प्लेट टेस्ट के लिए, और जो ब्लॉक टेस्ट होता है उसके लिए भी काफ़ी समय तक रखना होता है। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। पेस्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इनको अब ये हमने कुछ इस तरीके से इसकी छन्नी को साफ करके हम क्यूब किस तरीके से बनाते हैं मैं बता देता हूँ। हम बना के जब इसको तैयार करते हैं, ये हमने पेस्ट बनाया है तो अभी फ़िलहाल में इसको इस तरीके से इंची टेप से नाप करके, और ये हम साइज जो है कुछ इस तरीके से अलग कर लेते हैं। ये देखिए जो हमने एक इंच का बनाया था वो लगभग इतना होगा, और ये 8 इंच तक इसकी हाइट होनी चाहिए। अभी मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताया, तो इस तरीके का एक ब्लॉक बना लिया जाता है, और ब्लॉक बनाने के बाद इसको इसके ऊपर 15 किलो वेट रख करके इसको टेस्ट किया जाता है कि ये स्ट्रेंथ देगा या नहीं देगा इतने दिन के बाद। 3 दिन तक इसको पानी में तराई की जाती है जिससे, क्योंकि ये नॉर्मली हम क्या करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की 3 दिन तक तराई करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, और जल्द ही मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी बात बतानी हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो लेकर आनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।